वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है और आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे चॉकलेट की रेसिपीज। तो आइए देखते हैं आज की चॉकलेट हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक सिलिकॉन का राउंड शेप मोल्ड, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस पे जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ये सारी चीज़ें। थोड़े से नट्स मैंने यूज़ किए हैं, आम पापड़ा यूज़ किया है, ड्राई फ्रूट्स है, और ये देख सकते हैं घर पर मैंने नट्स बनाए थे ये चॉकलेट वाले। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़े से चोको चिप्स यूज़ किए हैं, चॉकलेट का सिरप यूज़ किया है, और ये थोड़े से शुगर स्प्रिंकल्स यूज़ किए हैं उसे डेकोरेट करने के लिए। यहाँ पर मैंने पोटैटो चिप्स जो बिस्किट होती है वो यूज़ किया है। वाइट कंपाउंड मैं यूज़ कर रही हूँ सिर्फ 100 ग्राम, क्योंकि मैंने यह 9 to 12 पीस ही सिर्फ बनाया था। आप चाहें तो इसके अकॉर्डिंग जितने चाहें बना सकते हैं, बस मैंने सिर्फ कम ही बनाया था क्योंकि मुझे सिर्फ एक बॉक्स में 9 पीस का ही इसे डेकोरेशन करके देना था। तो ये देखिए चॉकलेट को मैंने यहाँ पर मेल्ट कर लिया है, और चॉकलेट मेल्ट करने के बाद ये जो सिलिकॉन का मोल्ड है, इस सिलिकॉन के मोल्ड में मैं थोड़ा थोड़ा चॉकलेट फिल करने वाली हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं सिर्फ बेस में डाल रही हूँ ताकि मुझे बेस इसका थिक मिले, क्योंकि हम इसमें जो फिलिंग डालने वाले हैं उसके लिए आपको पूरा थिक चॉकलेट का ये जो शेल है ये क्रिएट करना होगा। तो आप पूरा फिल करके इसे रिमूव कर दें। काफ़ी ऐसे प्रोसेस मैंने आपको पहले के चॉकलेट में दिखाए हैं किस तरह से करना होता है, और इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ी देर मैं इसे रूम टेम्परेचर में छोड़ने वाली हूँ। अब ये रूम टेम्परेचर में जब तक सेट होगा तब तक ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये देखिए क्रैकर्स बिस्किट लिया है, पोटैटो बिस्किट लिया है। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इन बिस्किट का, क्योंकि ये सॉल्टी फ्लेवर है, तो बिल्कुल मीठा मीठा सा जो चॉकलेट होता है ना वो आपको फ्लेवर नहीं आने वाला। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं लेकर के आई हूँ आप सबके लिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, साथ ही इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिलने वाले हैं। जब ये पूरा कंप्लीट होगा तब आप ज़रूर इसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस तरह से ये मैं आप सबके सामने पेश कर रही हूँ। ये देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने यहाँ पे किशमिश लिया है, बादाम लिया, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैंने सब अलग अलग फ्लेवर्स इसलिए लिए हैं क्योंकि मुझे अलग अलग टेस्ट उस चॉकलेट में एक साथ मिल सके। आम पापड़ा ऐसे भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, होममेड आम पापड़ा मैं घर में बनाती हूँ वही मैंने यहाँ पे यूज़ करी। ये देखिए बेस इसका काफ़ी अच्छा सेट हो चुका है। अब आप छोटा सा एक ब्रश ले लें या एक स्पून ले लें, और अब इसके साइड के लेयर्स को भी आपको थिक करना है। ये प्रोसेस कम से कम 3 से 4 बार आप करें, या तो आप इस तरीके से ऐसे स्प्रेड करें और इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रखें, फिर दोबारा यही प्रोसेस करें। कम से कम 3 से 4 बार मैंने ये प्रोसेस किया था, जिससे काफ़ी थिक मेरा जो चॉकलेट का शेल है वो बन करके तैयार हो गया था। यही चीज़ आपको भी ध्यान देना, स्पेशली इसके साइड और जो बेस है ना वो बहुत थिक चाहिए होता है। ये देखिए अब मैं इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रख दूंगी। अब एक पैन में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 कप शुगर, नॉर्मल शुगर आपको यहाँ पर यूज़ करना है, और इसे हम बनाएंगे कैरेमल। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे कैरमल बना रही हूँ। सिर्फ आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ये सारे शुगर को अच्छे से मेल्ट करना है। ध्यान रखें शुगर आपका जलना नहीं चाहिए, हाई फ्लेम पर अगर आप ये काम करेंगे तो शुगर जल सकता है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये मेल्ट होने लगा है। मेल्ट जब पूरी तरह से ये मेल्ट हो जाए, बिल्कुल लिक्विड इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आ जाएगी, उसके बाद हमें इसमें आगे की चीज़ें ऐड ऑन करनी है। कैरेमल बनाने के लिए हमेशा आप एक मोटे तले का बर्तन यूज़ करें, साथ ही लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर ही आपको ये काम करना होगा। कभी भी बिल्कुल पतला बर्तन या हाई फ्लेम पर अगर आप ये काम करने की कोशिश करेंगे ना तो बिल्कुल अवॉइड करें, नहीं तो आपका जो कैरेमल है वो बहुत जल्दी जल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कैरमल यहाँ काफ़ी अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है। बीच बीच में जो हार्ड शुगर है वो भी पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें 1 बड़ा चम्मच सॉल्टेड बटर। आप अनसॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्टेड बटर इसलिए लिया जाता है जनरली कैरमल बनाने में, क्योंकि जो शक्कर का मीठापन होता है उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड हो जाता है और उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही परफेक्ट आता है। ये देखिए हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, नहीं तो ये बबल्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर जैसे ही आप बटर डालेंगे इस पर बबल्स आने लगेंगे, और इस तरीके से आपका जो कैरमल है बन करके थिक हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बिल्कुल रूम टेम्परेचर में लिया हुआ 1/4 कप ऑफ व्हिपिंग क्रीम।
व्हिपिंग क्रीम डालते साथ भी आपका जो कैरमल का बबल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आने लगेगा, बट आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें, बहुत ही अच्छा आपका जो कैरमल है वो बनकर तैयार है। अगर इसी तरीके से कैरमल सॉस भी बनाया जाता है, ये देखिए हमारा कैरमल ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, काफ़ी अच्छे बबल्स इसमें आ गए, इसका कलर बहुत सुंदर आया है। अब ध्यान दीजिए कि जितने भी इंग्रीडियंट्स हमने शुरू में लिए थे, जितने भी नट्स बिस्किट हमने लिए थे, वो सारी चीज़ें आपको इस कैरमल में ऐड करनी है और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है सिर्फ एक मिनट तक। एक मिनट तक आप अच्छे से इसे मिक्स करें। ये देखिए मैंने यहाँ पे चोको चिप्स लिया था, मैंने चोको चिप्स डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें पहले चॉकलेट मेल्ट करके डाल सकते हैं, बट चॉकलेट बहुत हार्ड हो जाएगा कैरेमल के साथ, इसलिए मैंने इसमें लास्ट में यहाँ पर चोको चिप्स ऐड किया है। सिर्फ एक मिनट तक आपको इसे कुक करना है लो फ्लेम पर ही, और उसके बाद आपको इसके फ्रेम से हटा लेना है और अच्छे से इसे थोड़ा सा ठंडा करते हुए चलाते रहना है, नहीं तो नीचे नीचे जो कैरेमल है ना वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा क्योंकि पैन काफ़ी गर्म रहता है इस वक्त। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हमने जो चॉकलेट का शेल बनाया था उसे अब हम उसमें से डीमोल्ड कर लेंगे। सिलिकॉन का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है तो बहुत ही आसानी से इससे डीमोल्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा शेल बन करके तैयार है। कुछ कुछ शेल्स थोड़े से पतले बने थे जिसे मैंने बाद में और थिक कर दिया था, तो ध्यान रखें आपको थिक शेल्स ही क्रिएट करने हैं। ये देखिए हमारे सारे के सारे शेल्स जो हैं बन करके तैयार हैं। अब ये जो कैरेमल है पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही आपको इसे चॉकलेट शेल में फिल करना है। उसके लिए आपको पहले इसे एक बाउल में लेकर के अच्छे से ठंडा कर लेना है, या तो आप रूम टेम्परेचर में इसे छोड़ दें, पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही आप इसे चॉकलेट के शेल में फिल करेंगे। अगर आपने उससे पहले ये कोशिश की तो आपका जो चॉकलेट का शेल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। ये फ्रिज में भी आप ठंडा कर सकते हैं। ये देखिए मेरे 9 चॉकलेट शेल्स यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट थे। ये पूरी तरह से बिल्कुल फ्रिज से मैंने निकाला था ताकि ये पूरा ठंडा रहे, और ये जो फिलिंग मैंने प्रिपेयर की थी वो भी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें फिल किया है। ये जो फिलिंग मैंने बनाई है, इस फिलिंग को आप इजीली 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। इवन ये जो चॉकलेट्स हैं, इन चॉकलेट्स को भी आप आराम से 1 महीने तक कोल्ड और ड्राई प्लेस में रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे क्लिंग रैप से चॉकलेट जैसे पैकिंग करते हैं ना, उस तरह से पैक कर सकते हैं, बट मैंने नॉर्मल इसे बॉक्स में दिया था क्योंकि ये हाथों हाथ जाने वाला था चॉकलेट, तो मैंने इस तरीके से सिर्फ उसे डेकोरेट करके भेज दिया था। ये देखिए जो मैंने शुगर बॉल्स यूज़ किए थे, शुगर बॉल्स मैंने यहाँ पर ऊपर से डाल करके इसे डेकोरेट कर दिया। तो ये है बहुत ही यमी और बहुत ही यूनिक सी चॉकलेट की रेसिपी इस वैलेंटाइन के लिए। तो फटाफट से जाइए, अभी आपके पास काफ़ी समय है, और बना करके मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये चॉकलेट और इसकी जो फिलिंग है एक्चुअली वो कैसा लगा, उसका टेस्ट कैसा लगा, और आपके पास कितने ऑर्डर्स आए। यस फ्रेंड्स, बिल्कुल भाई भूले ना, कमेंट करें, लाइक करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यस जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ मैं लेकर के आती रहूँगी आप सबके लिए। फिर मिलूँगी नए चॉकलेट की रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।